नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। मैं आयुर्वेद स्कॉलर हूं। दोस्तों, वजन बढ़ाने के लिए पूरे दिन कब क्या और कितना खाना पीना चाहिए, आज मैं आपको ऐसा खास डाइट प्लान बताने जा रही हूं, जिसे अगर आपने रोजाना पूरी तरह फॉलो कर लिया तो आप भी कुछ ही दिनों में एक बॉडी बिल्डर जैसा लुक पा सकेंगे। सुबह सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद सबसे पहले आपको खाली पेट 2 पके हुए केले खाने हैं और साथ में 1 ग्लास दूध पीना है। दूध फीका नहीं पीना है। दूध में चीनी मिला लीजिए। दूध ठंडा या हल्का गर्म करके लेना है। बहुत ज्यादा तेज गर्म दूध नहीं लेना है। इसके तुरंत बाद आपको रात को भिगो कर रखे हुए 7 बादाम खाने हैं। बादाम छीलकर उनका छिलका हटा देना है और फिर उनको खाना है। सुबह खाली पेट दूध, केला और बादाम खाने के 1 घंटे बाद आपको नाश्ता करना है। नाश्ते में आपको 2 पराठे और साथ में 1 कप दही खाना है। मान लीजिए आपने सुबह 7 बजे दूध, केला, बादाम खाया है तो आपको 8 बजे पराठे और दही खाना है। मिक्स वेजिटेबल पराठा बनाकर खाना इसके लिए सबसे अच्छा है। करीब 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के आसपास आपको मुट्ठी भर मूंगफली खानी है और 1 ग्लास लस्सी पीनी है। दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच लंच के टाइम दोपहर के खाने में आपको 2 घी लगी हुई चपाती यानी रोटी, 1 कटोरी दाल, 2 कटोरी सीजनल सब्जी या मिक्स वेजिटेबल, 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी अंकुरित अनाज की सलाद खानी है। शाम को 4 से 5 बजे के बीच आपको वेजिटेबल या चीज सैंडविच खाना है या मिल्क शेक पीना है। इसके साथ आप बिस्किट्स भी खा सकते हैं। रात का खाना आपको 7 से 7:30 बजे तक खा लेना चाहिए। अगर थोड़ा देर से खाते हो तो मैक्सिमम 9 बजे तक खाना फिनिश कर लेना चाहिए। रात के खाने में आपको लंच की ही तरह 2 घी लगी हुई चपाती यानी रोटी, 1 कटोरी दाल, 2 कटोरी सीजनल सब्जी या मिक्स वेजिटेबल, 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी अंकुरित अनाज की सलाद खानी है। रात को चाहें तो चावल छोड़ सकते हैं। रात को सोते समय 1 ग्लास गर्म दूध पीकर सोना है। सोने का एक पर्टिकुलर टाइम जरूर डिसाइड कर लें। रात को बहुत देर से नहीं सोना है। लास्ट टू लास्ट 10 बजे तक सो जाना चाहिए। इस तरह से ये आपके पूरे दिन का एक खास डाइट प्लान है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको किस किस टाइम क्या क्या खाना है और कितना कितना खाना है, ये सब इस टाइम टेबल के साथ फॉलो करना चाहिए। इससे 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही 7-8 किलो तक वजन बढ़ जाता है। लगातार इस टाइम टेबल को फॉलो करने से आपको अपना मनचाहा वजन और एक बॉडी बिल्डर जैसा लुक मिल जाएगा। आप सभी हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। इन्हीं विशेष के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखे हुए लाल रंग के बटन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो ये एक बेल या घंटी का निशान बना हुआ है, उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों कि हम जब भी आपकी हेल्प के लिए कोई भी नया वीडियो अपने इस चैनल पर लाएंगे तो आपको उसकी जानकारी फ्री में तुरंत मिल जाएगी और आप हमारा हर नया वीडियो टाइम से देख सकेंगे। आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यह वीडियो फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए लिंक्स दिए गए हैं, उन्हें क्लिक कीजिए और इन घरेलू उपचारों के लाभ उठाइए। इसके अलावा आप अपनी समस्याएं हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।